राम राम भाई सबने, मैं रिमन्ना ने एक बार फिर आप सबके बीच में आई हूँ एक नई बात ने लेके ने। कल परसों एक स्टेटस अपडेट करा था मैंने कि भाई हमें कभी भी किसी व्यक्ति विशेष का नारा नहीं लगाना है, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने व्यक्ति विशेष के नारे लगा लगा के अपने हरियाणा की, मैं जहाँ तक बात करती हूँ, 90 लोगों को विधानसभा में भेज रखा है और 10 लोगों को लोकसभा में भेज रखा है। उन 90 और 10 में से आज एक भी हमारी आवाज़ नहीं बन रहा। इसीलिए हम जब भी नारा लगाएं, भाईचारे का नारा लगाएं, एकता का नारा लगाएं, देश को ऊपर उठाने के लिए कोई ना कोई नारा लगाएं, ये नहीं कि फला आदमी जिंदाबाद, दिकड़ा आदमी जिंदाबाद। हमें इस चीज़ से बच करके और आज एकता का परिचय दिखाना है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उन मुद्दों को लेकर के चलना पड़ेगा, चाहे वो मुद्दा मैं कहूँगी स्कूल एजुकेशन सिस्टम का हो, चाहे वो मुद्दा मैं कहूँगी कि आज देश के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बिजली का हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने का हो, या फिर मतलब इतना तो पता है कि हमारे देश के अंदर उन कर्मचारियों की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो कच्चे रख रखे हैं तो उनको भी संतुष्टि मिलेगी, उनको पक्का कर दिया जाए। एक मैं नहीं कहती कि आप उस इंसान को पक्का करो जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जिसका जो उस पोस्ट के लायक ना हो, कम से कम आप उस अधिकारी को तो पक्का करो जिसका एजुकेशन लेवल उस पोस्ट के लायक है, आप उसको तो कर सकते हो। रही बात वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं भाई, अगर वो काम कर रहा है उस जगह, इसका मतलब ज़रूरत तो है उसकी, उसको उस काम के लिए, उसकी उस काम के लिए ज़रूरत तो है, लेकिन हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, यही कड़वी सच्चाई है। और आज मैं कहूँ किसान आंदोलन के जरिए हम हर उस मुद्दे को उठा सकते हैं, चाहे बिजनेसमैन हमारे साथ आओ, हम स्वागत करते हैं और अपना मुद्दा लेकर के आए, जब हम तो उनके समर्थन में नारे लगाते हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स की मैं बात करूँ, चाहे बिजली कर्मचारियों की बात करूँ, बैंक के कर्मचारियों की बात करूँ, रोडवेज कर्मचारियों की बात करूँ, रेल डिपार्टमेंट की बात करूँ, मैं मतलब हर एक मुद्दे को इसके दौरान, मतलब ये जो 200-225 दिन हुए हैं, इन मुद्दों को उठाया गया है और उठा करके उन मुद्दों को उतना ही सम्मान दिया गया है जितना सम्मान एक किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको दिया गया है।